हामिया अंदर ही तैयार होदम रू 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 तैयार रू, 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 रू म कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और अब हम अपना मेकअप लुक करने वाले हैं आप लोग देखें और इन्जॉय करें मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें इंस्टा और टिकटॉक आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आप लोग चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ऐड कर सकते हैं यूज़र नेम उसका मैंने बता दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके अलावा आप अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दें मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दें अभी हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ स्टार्ट होने वाले हैं अलहद ला थर्टीन ऑफ जनवरी से मेहंदी कोर्स स्टार्ट होने वाला है जो जो लड़कियाँ लेना चाहती हैं एडमिशन वो मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकती हैं मैं उनको ऐड कर दूँगी तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं जी तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सही दगनी वालों का टोनर यूज करने वाली हूँ इसमें है रोज़ वाटर और ग्लैसिन जो कि मैं अपने फेस पे स्प्रे करने वाली हूँ ये टोनर है ये स्किन को प्रेप और प्राइम करते हैं ये चीज़ें आप लोग ना भी लें तो कोई बात नहीं है बट एक अच्छी फ्लॉलेस बेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं अब इसको मैं टैप टैप करके अपनी स्किन में अब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन में हो जाए एब्जॉर्ब उसके बाद ये मैं फेस फेस फ्रेश वालों का ऑयल यूज़ करी हूँ फेशियल ऑयल ग्लो सीरम आई थिंक है ये इसका नाम ग्लो सीरम है अब ये मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ और ये आप लोग देख ले मैं कहाँ कहाँ पे लगा रही हूँ इसको भी आपने अच्छे से फिर अपने स्किन में एब्जॉर्ब करना है ये इस तरीके से और बीच में से मैंने जहाँ पे लंबा पार्ट हो रहा था वहाँ से मैंने कट कर दिया है ताकि बहुत बोरिंग ना हो जाए और मैंने स्पीड भी इसी बढ़ाई है तो अब मेरे ए, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स इन कंप्लीट होने वाले हैं तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फिर इन YouTube पे भी लाइव मेकअप किया करेंगे उसके बाद मैंने अब ये मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल एज आ प्राइमर अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकती हैं उसके बाद ये मैंने कंसीलर लिया ये कोई लोकल ब्रांड है खुदा ब्यूटी की कोई ए, लोकल ब्रांड है आई ऐसा ही कोई नाम है अजीब सा अच्छा इसको मैं अपनी आईज पे आईज़ के ऊपर आईलेट पे लगा रही हूँ ताकि मेरी जो बेस है वो अच्छी बन जाए और मेरे पीछे आप लोगों को शायद आवाज़ें आ रही हों बाइक गुजरने की और बहुत शोर है अब इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ ब्लेंड भी और मैं इसको स्टिक ए, स्टिक कंसीलर अब लगा रही हूँ और अब आवाज़ों को भी इग्नोर कीजिएगा और मेकअप पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरीके से करी हूँ अब ये फ़ाइनल टच वाली मेकअप पैलेट है ये मैंने मंगवाई थी दराज से इसका मैं इन बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक आ, अच्छा सा रिव्यू करूँगी अब इसमें से जो मैं बिल्कुल आ, ये औरजिश ब्राउन शेड है ये देखें ये वाला मैंने इस पर स्वैच किया है ये वाला मैं इस जो ब्रश है फ्लफ़ी ब्रश इस पर ले कर अपने क्रीज़ एरिया पे और आउटर कॉर्नर पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी आपने बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड करना है ताकि ये हार्श लाइन दी ना नज़र आए अब ये देखें मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल आ, अच्छे से हो जाए स्म जो और ज़रा भी हार्श लाइन ना हो लेफ्ट आई पे काम करना मेरे लिए मुश्किल होता है लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जा रही है मेकअप करते हुए लेफ्ट आई पे भी काम करने की बट ये जो ब्रश था फ्लफी ब्रश थोड़ा सा बड़ा था सो डिफ़िकल्टी हो रही थी बट मैं अब सोच रही हूँ कि छोटे ब्लेंडिंग ब्रशेस भी मंगवा लूँगी इन शाला जैसे ये देख लें आप लोग मैंने ये लिया है अब आप मैं ये देखें ले रही हूँ ब्लू कलर का इसको मैं स्वैच कर रही हूँ अपनी फिंगर पे ये वाला मैं इसी अपनी उंगली से ही लगा लूँगी अपने पूरे मेन आईलेट पे ठीक है अब ने इसको अच्छे से लगाना है आपने इन दोनों को फिर स्मच भी करना है ये देखें अब मैं नीचे इसीलिए झुक रही थी गोद में मैंने रख दी थी पैलेट और वहाँ से मैं उठा उठा के इसको लगा रही थी अब ये दो मैंने दूसरी आंख पे भी लगा लिया है मैंने यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत भूत ही लग रही हूँ थोड़ी क्या ज़्यादा ही भूत लग रही हूँ लेकिन बाद में अभी मैंने ए, कॉम्ब भी नहीं की हुई थी और टोपी मैंने इसीलिए नहीं उतारी ठंड लग रही थी सो अब मैं ये थोड़ा डार्क शेड ले रही हूँ और छोटे फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी जो मेरी क्रीज लाइन है उस पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से ताकि आँख मेरी आँख को थोड़ी सी डेप्थ दे दे अब ये देखें मैंने इसको कर दिया और इसको आउटर कॉर्नर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ अब इसको इसी तरह आउटर कॉर्नर पे लेके जाएं और अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले अब ये छोटा ब्रश मैंने लिया इस पे इसको मैं अपने इस ब्रश की हेल्प से मैं वाइट जो शिमर वाला कलर था उसको आपने हाँ ब्रो बोन पर लगा रही हूँ ताकि मेरी वो बोन हाईलाइट हो जाए इसके अलावा मैं यही वाइट कलर फिर अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगाऊंगी अब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ और यहाँ पे रोशनी पता नहीं ऐसे क्यों हो रही है आई डोंट नो बट हो रही है और अच्छा जी ये मैं दूसरी आँख पे भी लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है और फिर पीछे शोर आने लग गया एक तो मोहल्ले वाले शोर हर वक्त बचाते रहते हैं अच्छा जी ये अब मेरा आईलाइनर हो चुका है कंप्लीट आलमोस्ट मैंने इस दफ़ा विंग नहीं बनाया और मैं अब यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा के दो कोट आप लोग कर सकते हैं अगर आप फालसीज नहीं लगाना चाहते बट मेरी लैशेस बहुत कम हैं और मस्कारा लगाऊं भी तो फिर ऊपर फैल ही जाता है सो so, इनशाला मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ लैश सीरम भी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को वो आप लोग अब ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोगों की आईब्रोज़ और आई लैशेस की ग्रोथ के लिए यहाँ पे मैंने वाइट काजल लगा लिया और नीचे उसी ब्रश से मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगा लिया सॉरी लोअर लैश लाइन से नीचे आ, मैंने कर दिया वो उस पर कोई कलर नहीं उठाया था अब उसी को कंसीलर को मैंने लेके अपने जो मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स थे उन पे लगा लिया अपने फोर हेड पे अपनी नोज पे अपने अंडर आई पे और अपनी चिन पे हर जगह पे अब ये मैंने क्रेलोन की आइवरी स्टिक ली है और इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से कर दूंगी मैं अपने ईयर्स पे भी लगाऊंगी और दूसरी बात अगर आपके हाफ बाजू हैं किसी ड्रेस के हाफ स्लीव्स हैं तो आप लोगों को अपने बाजू पे भी इसको लगाना है क्योंकि ताकि हाथों और बाजुओं का कलर भी सेम लगे अपने कानों पे भी लगानी है इसको ताकि आप लोगों को ये ना फील हो के लोगों को ये ना फील हो के अलग अलग मेकअप मतलब इधर थोप दिया और इधर नहीं लगाया सो अब ये देखें मैं अपने कानों पर भी उसको लगा रही हूँ और अपने ये ब्यूटी ब्लेंडर वेट ही था सो तो आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अब ये देखिए मैं मुझे लगा नोज़ पर थोड़ा कम है तो मैं नोज़ पे अगेन इसको लगा रही हूँ और मैं अपने ईयर्स पे भी अगेन लगा रही हूँ अब मैं अपने ब्रोज़ को फिल कर रही हूँ आई ब्रोज़ को फिल करने के लिए उसी जो फाइनल टच वाली पैलेट थी उसमें से मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड मिक्स करके इस एंगल ब्रश पे ले लिया और इसको मैंने अपने आई ब्रोज़ को यहाँ पर फिल कर लिया तो अब ये देखिए अब मैं उसी वाइट लाइनर सॉरी वाइट जो था मेरा शेड उसको मैंने अपने अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगा लिया अब मैंने यहाँ पे इसी फाइनल टच में से उठा के सबसे लाइट ब्राउन कलर उठा के मैंने अपनी कंटोरिंग भी कर ली अपनी कंटोरिंग मैंने यहाँ पे साइड पे की और थोड़ी सी चिन पे लगाई बाकी मैंने चीक बोन्स पे कंटोरिंग की अब मैं उसी ब्रश की हेल्प से बिल्कुल हल्का सा पिंक ले के अपना ब्लश अप्लाई करूँगी ये देखें मैंने बिल्कुल हल्का सा क्योंकि ब्लश मुझे ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता है मैं थोड़ा सा नोज़ी पे भी नोज़ी नोज़ पे भी आ, कर रही हूँ हाईलाइट और कंटोर अब सारा कुछ अब ये देखें हाई जो मेरा हाइलाइटर था वो मैंने अपने क्यूपिड बो पे लगाया तो मुझे काफ़ी फील हो रहा था कि मेरा जो अपर लिप है वो बड़ा बड़ा लग रहा है मेरे गले में कुछ हो गया अब मैं अपनी जो मेरी पिंक कलर की लिपस्टिक थी वो मैंने अपने लिपस्टिक वाले अनबॉक्सिंग वाला जो था सॉरी हॉल वाली वीडियो में भी दिखाया था उसी से पहले लाइनर ड्रा कर लिया और फिर लिपस्टिक लगा लिया अब मैं इसको ने सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लूँ